हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन क्लास दे रहा हूँ मैथ की, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी कुछ दिनों में आपका ग्रैंड टेस्ट है, तो उसी की रिवीजन क्लास दे रहा हूँ, ताकि रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, तो अभी मैं 2 दिन तक आपको कंटिन्यू रिवीजन क्लास दूंगा, ताकि आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकें। ठीक है? हाँ भाई, देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपके सामने। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, ये दिया हुआ है। अगर आपसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है सो दैट कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है √2 sin थीटा, ये प्रूफ करने के लिए बोला आपसे, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहली बात, मुझे यहाँ पे √2 sin थीटा चाहिए इस तरीके से, यानी कॉस को यहाँ से बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे भाई? पहले तो यहाँ पे काम करो, कोई फॉर्मूला नजर आ नहीं रहा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है? दोनों तरफ वर्क करने पर तो कर दो जी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √2 का स्क्वायर 2, और ये cos² θ। ठीक है? अब मुझे बच्चों बराबर के इस तरफ साइन थीटा चाहिए, तो इसका मतलब साइन वाले को छोड़ के सबको उठा के वहां ले जाओ। यहां बनेगा sin² θ 2 cos² θ माइनस cos² θ माइनस 2 cos θ sin θ। भाई sin² θ 2 cos² θ में से 1 cos² θ जाएगा, 1 cos² θ माइनस 2 cos θ sin θ। अब बच्चों बात यह है कि मुझे यहां पर cos θ माइनस साइन थीटा चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? अगर यहां पे cos² θ प्लस sin² θ माइनस 2ab बन जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो भाई मुझे आइडिया तो पता चल गया, तो एक काम करो, एडिंग बोथ साइड्स sin² θ, दोनों तरफ sin² θ ऐड कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? sin² θ को ऐड कर दो। ठीक है जी? तो ये बन जाएगा 1 2 2 sin² θ, ये बन गया a² + b² - 2ab, तो यानी कि cos θ + sin θ का होल स्क्वायर, और स्क्वायर बच्चों इस तरफ आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। स्क्वायर इस तरफ आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। सॉरी, ये तो माइनस बनेगा ना, माइनस साइन थीटा। भाई रूट रूट के अंदर तो भाई √2 रूट ही रहेगा, लेकिन sin² θ जब रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा sin θ। हाँ जी, देखो क्या प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ बच्चों? हो गया ना इजिली। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है बच्चों? अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। हाँ, एक ये और देख लो, इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या भाई, कि अगर sin θ + cos θ की वैल्यू आपको दे रखी है √2, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि tan θ + cot θ बराबर है 2 के। tan θ + cot θ किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है जी? चलिए तो कह रहा प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव करना भाई। ठीक है, तो वही पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो sin θ + cos θ का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, तो ये a² + b² + 2ab, और √2 का स्क्वायर तो बच्चों 2 ही होगा। प्यारे बच्चों sin² θ + cos² θ की वैल्यू क्या होती है? 1। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये प्लस का 1 बच्चों वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आएगा √2 sin θ cos θ, और ये क्या बन गया? 1। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखना भाई, मुझे टेन तक पहुंचना है। मुझे कहां तक पहुंचना है? टेन तक। तो कब हो सकता है टेन? पहले तो एक काम करो, क्योंकि आपको फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो 1 को क्या मैं sin² θ + cos² θ लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 1 को sin² θ cos² θ लिख सकते हैं, लेकिन मुझे मुझे टेन चाहिए। तो ये टेन कब बनेगा? जब साइन के नीचे कॉस आ जाए।
और ये cos कब बनेगा, जब वो सॉरी ये cot कब बनेगा, जब cos के नीचे sin आ जाए। तो ऐसा करो, ये sin और cos यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वहां ले जाओ, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहां के क्या करेंगे ये डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है, एक बार इसके नीचे, बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, ठीक है जी। एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, ठीक। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता बच्चों, टेन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता बच्चों, कॉट थीटा। देखिए हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। दिखने में लगते हैं कि बच्चों क्वेश्चन है टफ, लेकिन करने में बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से ये दो क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। बच्चों पिछले साल भी ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया था, जो मैं आप कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर p है तो फाइंड sin थीटा या प्रूव दैट, कुछ भी आ सकता है। या तो प्रूफ आ जाएगा कि भाई sin थीटा प्रूफ करो, p स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। या आ जाएगा भाई कि फाइंड करो, दोनों में से एक चीज आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक। तो प्रूफ करके दिखाते हैं कि भाई साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन है। कैसे, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको पी दे रखी है, ठीक। अच्छा अब प्रूफ करने की बात आएगी तो एक तरीका है, और जब वैल्यू निकालने की वैल्यू आएगी, वैल्यू निकालने की बात आएगी तो भी एक तरीका है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं, चाहे प्रूफ करने का आ जाए चाहे वैल्यू निकालने का आ जाए, आप दोनों तरीके से कर, मतलब उस तरीके से आप दोनों चीजें कर सकते हो, ठीक है। दो अलग अलग तरीके भी सीख सकते हो, बाकी एक ऐसा कॉमन तरीका सिखा देता हूं मैं आपको, जिससे आप मतलब प्रूफ भी कर सकते हो और वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, यानी प्रूफ आ जाए या फाइंड आ जाए दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये मेथड जो मैं कराने जा रहा हूं। चलिए तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है पी, लेकिन भाई मुझे ना वैल्यू यहां पर कह रहा है कि फ्रैक्शन में भी ला के दिखाओ, ठीक है जी ला के दिखा देंगे। उसके लिए काम करो, क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो इसे, बाय रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल द टर्म, पद को पद का व्युक्त कर्म करने पर, व्युक्त कर्म करने पर, हां जी। तो इसको जब आप पलटेंगे बच्चों तो वन अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटो वन अपॉन में p। अब पलट दिया, अब पलटेंगे तो बच्चों क्या, भाई मेरे को फ्रैक्शन में चाहिए था, मैंने पलट दिया, व्युक्त कर्म कर दिया इसका। अब मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा, बाय रैशनलाइजिंग, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है जी। तो वन अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू में sec थीटा, भाई आपको पता ही है प्लस है तो यहां माइनस लग जाएगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, सिर्फ इसी का करना है, इसका नहीं करना। तो ये बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा
और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 बाय बी। तो ये आ गया बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा। इस पूरे की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, 1 बाय पी। तो ये आपके लिए फर्स्ट काम करेगा और ये आपके लिए सेकेंड इक्वेशन का काम करेगा। तो लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक व दो को हल करने पर, तो समीकरण एक है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, और ये है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय पी। जैसा कि आप एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से जानते हैं, tan थीटा से tan थीटा कट गया, sec थीटा 2 secant थीटा, और ये आएगा p प्लस 1 बाय पी। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हाँ जी, तो 2 sec थीटा बराबर, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, सॉल्व करेंगे p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p, 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, ये आ गया बच्चों sec थीटा। अब बच्चों रफली एक काम करना, ठीक है, क्या आप sec थीटा को बहुत अच्छे से जानते हैं, और sec थीटा होता क्या है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है, सॉरी गलत बोल दिया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, कर्ण बटे में आधार, क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो बच्चों थीटा ले लो कहीं पे, यहां पे मान लीजिए आपने थीटा ले लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर थीटा के साथ लेटा हुआ बेस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और भाई ये क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जरूर हाइपोटेनियस है और नीचे वाला जरूर बेस है, क्यों, क्योंकि sec थीटा है। तो भाई हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका p स्क्वायर प्लस 1, और बेस कितना आ गया आपका 2p, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना रह गया। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो क्या निकालेंगे भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस, बच्चों हाइपोटेनियस कितना है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो निकालना ही है, बेस कितना है 2p का स्क्वायर, लगाओ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 p का स्क्वायर, उठा के इधर ले आओ, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर, ये प्लस का 4p इधर आके माइनस का 4p pr का स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, भाई 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 2p स्क्वायर, और अब अगर अपने आप में मल्टीप्लाई में 1 ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर, सही बात है कि नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर माइनस 1 pr, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका क्या आ गया परपेंडिकुलर। नाउ क्या निकालना है आपको, साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है जल्दी बता दो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बताओ परपेंडिकुलर अभी अभी कितना निकाला आपने पी स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेनियस कितना था आपका पी स्क्वायर प्लस 1, तो देखो प्रूफ भी हो गया और अगर फाइंड करने के लिए आएगा तो फाइंड भी हो गया, ठीक है, कीजिए भाई सभी करो इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये करो फिर एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, अच्छा सब
करो बच्चों करो। चलो बच्चों अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है एक्स और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है वाई। ठीक है, तो कह रहा प्रूव करो, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 एक के बराबर है। ये प्रूफ करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको उठाओ, नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में करो भाई। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व कीजिए, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है? वैल्यू 1। ये बात आप फॉर्मूले में जान चुके हैं एक्स। ठीक है, ये आपका एक्स आ चुका है। चलिए अब जरा वाई भी सॉल्व कर लीजिए भाई। सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/ में कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। अब आपको अच्छे से पता है जब नीचे का बेस ही सेम है तो ऊपर वाली पार्टी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को क्वेश्चन में। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन गलत लिख दिया है। यहां पे टेन थीटा नहीं है, यहां पे कॉस थीटा है। क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है। अब ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में 1 बराबर वाई। सॉल्व करो भाई, 1 को 1 से सॉल्व कीजिए, 1 कॉस थीटा को कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे को नीचे से कॉस थीटा बराबर वाई। अब आप अगर आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं मेरे पास तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर अपॉन में कॉस थीटा बराबर वाई। लो जी, वाई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, एक्स भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है तो यहां पे आ जाएंगे। नाउ एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एक्स, एक्स क्या है? 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, और वाई क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3 माइनस एक्स क्या है? 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और वाई क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर की पावर 2/3। चलिए 1 अपॉन भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर का
स्क्वायर तो 4 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3। भाई साइन स्क्वायर थीटा गया, बचेगा 1/ में कॉस स्क्वायर और कॉस की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, कॉस क्यूब थीटा पावर 2/3। हाँ भाई, एक साइन से 4 में से एक जाएगा, पावर कितनी बचेगी 3, तो ये आएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस की पावर 1, कॉस की पावर 2, कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3। बच्चों 1/ कॉस, कॉस किसका उल्टा, सेक का, तो जब यानी 1/ कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो 1/ कॉस क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा हो सकता है, और साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो साइन क्यूब कॉस क्यूब क्या होगा, 10³ थीटा की पावर 2/3। बच्चों ये पावर है, बाहर निकल सकती है, जी बिल्कुल, तो सेक थीटा की पावर 3 × 2/3 माइनस, इसी तरह इसकी भी पावर बाहर निकालेंगे, 3 × 2/3, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा, और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। और इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन होता है फिनिश। ठीक है, कीजिए बच्चों, करो इसे। इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है जी, चलिए अब हमें इसे प्रूफ करना है। अब पता है बात क्या है, जो जैसा रहे ना वो उसी के पास रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, इधर उधर करके कोई फायदा नहीं, कंफ्यूजन पैदा की गई है, तो एक काम करते हैं, जब कंफ्यूजन पैदा की गई है तो उस कंफ्यूजन को हटा देते हैं। भाई इसके जैसा यहां पे क्या है, ये उठा के इधर ले आओ, उठा के इधर ले आओ, प्लस की चीज थी माइनस में ले, रह जाएगा 2, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए बस, यानी अब इसको 2 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है जी, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, निकाल लो। ठीक है, मुझे दिख रहा है ना, सिंपल सा है भाई, कि कॉमन आ रहा है, बचा क्या नीचे, 1/ में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1/ में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में, प्री बोर्ड में कभी ना कभी आए हैं, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो रखना बच्चों ब्रैकेट में ही है। क्यों रखना है ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर माइनस है, जो कि एक खतरे की घंटी है, ये किसी भी चीज को पूरा का पूरा पलट सकती है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये है साइन थीटा बच्चों कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस का कॉट थीटा और ये भी माइनस का कॉसेक थीटा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। लेकिन बच्चों अगर ये पलट जाए, मतलब कॉट पहले हो जाए और कॉसेक बाद में हो जाए, तो बच्चों मैं फॉर्मूला में पढ़ा चुका हूं कि अगर ये चीज पलट जाती है तो माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, माइनस 1, कॉट से कॉट कट गया,
साइन थीटा, कॉसेक कॉसेक माइनस टू कॉसेक थीटा अपॉन माइनस वन, माइनस से माइनस भी कट गया, अब आया साइन थीटा इंटू टू, और बच्चों कॉसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बच गया टू, आंसर इज दिस। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपका फॉर्मूला अगर स्ट्रांग है, फॉर्मूला अगर स्ट्रांग है तो बड़े आराम से आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। चलिए कीजिए फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पहले से ही वन माइनस ए स्क्वायर दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई इस प्रकार प्रूव करो, प्रूव करो कि सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर है टू माइनस ए स्क्वायर की पावर तीन बटा दो, ठीक है, ये करो। चलो जी करते हैं, ठीक है, ये करना है, उठाओ इसे जरा, नाओ सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा कोसेक थीटा, बस इसको वहां तक पहुंचा देना है, ठीक है, पहुंचा देंगे जी। पहले ये बताओ ये क्या चाहिए हमें, टू माइनस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू लग किसकी तरह रही है, टेन स्क्वायर वाले की तरह, बस यहां वन है या टू है वो हम मैनेज करेंगे आगे जाके। लेकिन बच्चों अगर इसको मैनेज करना है तो इसको पहले सही से कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस चीज में, टेन में, तो सबको टेन में कन्वर्ट करो। तो भाई टेन का सबसे बड़ा दुश्मन सबसे पहले सेक, क्योंकि उसी का रिलेशन में आता है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा भाई, ठीक है, कैसे हटाएंगे, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, कॉमन ले नहीं सकते, तो क्या करें, एक काम करो सेक थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा से ही डिवाइड कर दो, तो देखना अपने आप हटने के करीब आ जाएगा, ठीक है, करो अंदर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को यहीं छोड़ दो, नीचे वाले को ले जाओ सबके नीचे, क्योंकि sec थीटा ही इनके सारे भेद जानता है, तो जब सारे भेद ये जानता है तो sec थीटा को ही हटा दो, तो एक बार sec थीटा इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, और एक बार sec थीटा इस पूरे के नीचे आ जाएगा, sec थीटा कैंसिल होगा, वन वन प्लस, ठीक है, टेन क्यूब थीटा। अच्छा बच्चों देखो ये है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भाई नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन में साइन थीटा भाई, क्योंकि कॉसेक थीटा का उल्टा होता है वन अपॉन में साइन थीटा, तो ये उल्टा हुआ वन अपॉन में। लेकिन बच्चों सेक थीटा अगर ऐसे है वन अपॉन में सेक थीटा, तो पलट के क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, तो जल्दी बताओ इस पूरे पे वन होगा कहीं ना कहीं, और अपॉन में है sec थीटा, मतलब अगर अपॉन में sec थीटा है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cos थीटा, और अगर cosec थीटा ऊपर है तो अपॉन में आके क्या बन जाएगा, sin थीटा, तो cosec थीटा ऊपर था अपॉन में आके sin थीटा बन गया, और sec थीटा नीचे था तो ऊपर जाके क्या बन गया, cos थीटा, तो ये बन गया sec थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा। बच्चों cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, जल्दी बता दो, cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब एक बात और भी जानते हो आप, क्या जानते हो कि cot थीटा होता है 1 अपॉन में tan थीटा, ये फॉर्मूला भी जानते हो कि नहीं। अब ये है पावर 3, ये है पावर 1, काटोगे तो कितनी पावर रह जाएगी, 2, तो बच्चों sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने क्या बताया, sec थीटा ही दुश्मन है, यही सारे भेद जानता है, जब ये सारे भेद जानता है तो कहीं ना कहीं आपको पहुंचाएगा भी, तो कैसे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हां कि ना, यही होती है ना। अगर मैं यहां से खाली sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, स्क्वायर को उठा के वहां ले जाऊंगा, तो sec थीटा किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा के, सही बात है। तो देखो यहां पे सेक थीटा है, हाँ जी है, क्या मैं सेक थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं कि नहीं? जी बिल्कुल, और ब्रैकेट में कौन है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इस पूरे की पावर कितनी है, 1। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसका पावर कितना है, 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड कीजिए 1 और 1/2, हाँ जी 1/2 को 1 से ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो 3/2 बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। लेकिन भाई मुझे ये थोड़ी प्रूफ करना है, मुझे तो ये प्रूफ करना है। तो जल्दी बताइए बच्चों कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस ए स्क्वायर। ये बात हमें पहले से ही गिवन है, क्या कि टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर है, ये बात गिवन है। तो बस 1 प्लस 1, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और भी इससे बेटर क्वेश्चंस, ठीक है, दिमाग को हिला देने वाले, लेकिन इसी तरीके से आपके लिए सिंपल बन जाएंगे। दिखने में लगेगा कि यार बहुत टफ है, लेकिन करने में आपके लिए बच्चों का खेल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।